अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं इंडियन फिशिंग से अफसर खान। दोस्तों आज फिशिंग पे आए हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज जो फ्रॉग यूज करेंगे फ्रेंड्स, आज ये सुपर फ्रॉग है। देखें ये सुपर फ्रॉग येलो कलर के अंदर ये यूज करेंगे आज इंशाल्लाह। इससे स्नेकहेड मार के दिखाएंगे आपको, वीडियो बना के दिखाएंगे फ्रेंड। ये 21 ग्राम का फ्रॉग है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ाया और ये थोड़े से हुक इसके मैंने थोड़े से ऊपर करे हैं। दोस्तों आज इससे इंशाल्लाह फिशिंग करेंगे। और ये हमारे हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज तो पकड़ लो इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे, अल्लाह कामयाब करेगा। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स पहला हंट आज का, टाइम होते ही 10 बजे, 10:30 बजे टाइम होते ही स्नैक हेड लगना चालू होगा। ये सुपर फ्रॉक येलो कलर का। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स सेकंड हंट देखें, लाजवाब साइज। और ये इसने फ्रॉक वही सुपर फ्रॉक, इसके हो क्या रहा यार, एक मिनट देखें दोस्तों, इसके शायद जख्म हो रहे हैं, कुछ ना कुछ जख्म हो रहा है इसके। थैंक यू दोस्तों।
फ्रेंड गाओ बज गया। क्या मुंह में लिया नहीं उसने, कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बिरयानी की रेसिपी बताता हूँ। ये हाजी साहब बना रहे हैं। ये पहले कितने किलो, एक किलो चावल की बिरयानी बननी है। ये पहले ज़रा सा तेल डाला है इसमें 200 ग्राम, उसके बाद ये प्याज डाल रहे हैं। अब ये प्याज होने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स डाला है। अब इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट होने के बाद ये अपने मोटा धनिया, गरम मसाला, सौंफ और जीरा 30 ग्राम। अब इसको 5-10 मिनट और इसको पकाएंगे। अब ये दही डलना है 300 ग्राम। फिर इसको 5 मिनट बाद पकाएंगे। मसाला तैयार होने के बाद अब ये चावल डालना है। फिर उसके बाद इसके अंदर 70 ग्राम नमक डालना है। फिर उसके बाद इसके अंदर आधा लीटर पानी डालेंगे। आधा लीटर ध्यान रखें, आधा लीटर। फिर उसके बाद 250 ग्राम इसमें अचार डालना ज़रूरी है। और मेन जान इसकी अचार ही है टेस्ट की बिरयानी की। इसके अंदर केरी ज़्यादा हो। फिर उसके 5 मिनट चावल 5 मिनट डालने के बाद आप फिश डालें। बस ये इसको एक दफ़ा हिलाना है चम्मच, उसके बाद नहीं हिलाना फिर, नहीं तो क्या इसकी जो कतले हैं बोटी हैं टूट जाएगी। और ये तैयार हो चुकी है फिश बिरयानी। इसका पूरा पानी सुखा लिया, बस पूरा पानी सूख दे बिरयानी तैयार। फिर उसके बाद जब आप बिरयानी निकालें तो इस तरीके से हिला लें, जिससे इसकी जो बोटी है टूटेगी नहीं। ढक दिया रे यार, खाओगे तुम भी।